भारत और वेस्ट इंडीज के बीच चल रही 3 मैचों की T20 सीरीज के पहले मैच में भारत ने शानदार जीत हासिल करी। आपको बता दें कि पहले T20 मैच में कुछ ऐसा हुआ जो भारत के T20 इतिहास में कभी नहीं हुआ। तो आपको बता देते हैं कि सीरीज के पहले मैच में भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। इस मैच में भारत की तरफ से 2 खिलाड़ियों कृणाल पांड्या और खलील अहमद ने T20 डेब्यू करा। चलिए हम आपको बता देते हैं कि क्यों ऐसा भारत के T20 इतिहास में कभी नहीं हुआ। तो दरअसल इससे पहले भारत ने घरेलू क्रिकेट पर 31 T20 मैच खेले हैं और इन सभी मैचों में महेंद्र सिंह धोनी टीम इंडिया का हिस्सा थे। अब यह पहला मौका था जब भारत अपने घरेलू जमीन पर धोनी के बिना T20 मैच खेल रही हो। इन 31 मैचों में धोनी का प्रदर्शन शानदार रहा। धोनी ने 31 मैचों में 42 से ज्यादा की औसत के साथ 601 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 133 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए। इन 31 मैचों में उनके बल्ले से 150 भी लगी। वहीं धोनी के T20 करियर की बात करी जाए तो धोनी ने 93 T20 मैचों में 37 से ज्यादा औसत के साथ 1487 रन बनाए हैं। T20 क्रिकेट में उनका स्ट्राइक रेट 127 की रही। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट डेस्क से गौरव की रिपोर्ट।